यूट्यूब से काफी अच्छा खासा अर्न कर लेती हूँ। और गाइज मैं महीने के यूट्यूब पे 5 से 10 लाख रुपए कमा लेती हूँ। जब डेली ब्लॉग्स में आप डाल रहे हैं या फिर जैसे भी आप वीडियोस बना रहे हैं, फिर आपका वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सेफ रहिए। गाइज मैं भी अब पहले से काफी बेटर फील कर रही हूँ, तबीयत तो काफी अच्छी हो चुकी है, तो सोचा आज आपके साथ बात कर लूँ। एक्चुअली मैं अभी अपनी पिछली कुछ वीडियोस में कमेंट देख रही थी, एक दिन मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी, तो मैंने उसमें ना कुछ आपके साथ अपना यूट्यूब के बारे में बताया था, जर्नी के बारे में, तो मुझे बहुत ज्यादा क्वेरी आई थी, दीदी उसके बारे में डिटेल से बताइए। क्योंकि देखिए मोस्टली जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लेडीज ही हैं और हाउस वाइफ हैं, जो घर में रहती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, अपना घर संभालती हैं हमारी तरह ही, बट उनमें वो एक छोटा सा डिफरेंस है कि वो सिर्फ घर में रहती हैं, कोई वर्किंग वुमेन नहीं है उनमें से मोस्टली, है ना, घर पे कुछ काम मतलब नहीं करती हैं, अर्न नहीं करती हैं। और जैसे पहले मैं भी कुछ टाइम पहले तक अपने हस्बैंड पे, अपनी फैमिली पे डिपेंड रहती थी, वैसे ही रहती हैं। बट लेकिन देखिए मेरे जैसे मन में आया ना, ऐसे आप सबके भी कहीं ना कहीं मन में आ जाता है कि यार खुद के पैसे होने चाहिए, खुद अर्न करना चाहिए, चाहे 2000 कमाओ 4000 कमाओ, बट एक ये रहता है, इतना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और एक मन में ना सेटिस्फेक्शन रहती है, यार मैं कुछ तो कर रही हूँ। तो आज मैंने इससे रिलेटेड आपके बारे में बात करूंगी। और हाँ गाइज ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं आपके बारे में अपने यूट्यूब के बारे में शेयर करूंगी और इंस्टाग्राम के बारे में शेयर करूंगी, आप लोग कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा बिजी हों और अच्छी अच्छी चीज़ें करें अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो चलिए मैं बता देती हूँ इसके बारे में आपको सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो गाइज YouTube पे काम करना है बहुत ही आसान, आपको यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, जैसे मर्जी आप अपना काम करिए, जो मर्जी करिए, यहाँ पे तो आपको कोई इतना भी कहने वाला नहीं है। बट जब आप चीज़ें सोशल मीडिया पे आते हैं तो माइंड में ये रख के याद रखिए कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं ना, तो आपको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो आपको जज करते हैं, स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा पुल करते हैं, मतलब उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस करी ना, मैं आपको सच्ची वो बता रही हूँ कि जब हम स्टार्टिंग में करते हैं ना, हमें नहीं पता होता यार हम ऐसे काम कर रहे हैं, वैसे काम कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, तो देखने वाले के लिए सिर्फ वो चीजें जो आपने वहां पे प्रेजेंट करी है वो चीजें देखते हैं, छोटी छोटी चीजें देखते हैं और आपको करते हैं, तो उससे ना बहुत ज्यादा लोग डिमोटिवेट होते हैं, कुछ लोग मोटिवेट होते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, YouTube पे वीडियोस बनानी है आपको, एक नॉर्मल अपने फ़ोन से बनाइए, कैमरे से बना सकते हैं, कैमरे से बनाइए, एडिटिंग आप फ़ोन में कर सकते हैं, YouTube से ही सीख सकते हैं और YouTube पे ही आप डाल सकते हैं, क्योंकि YouTube पे काफ़ी टेक्निकल चैनल रहते हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, मैंने भी यहीं से काम सीखा है, तो इन्हीं टेक्निकल वीडियोज़ को देख देख के मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। उसके बाद फिर हमें लोगों को भी सिखाने लगे कि यार ऐसे कर लो वैसे कर लो, बहुत ईजिली हो जाता है ना। और जब आपका एक काम को एक डेली डेली करने लगते हैं ना, तो बहुत जल्दी आप उस चीज़ को सीखते हैं अच्छे से, उसमें परफेक्शन आ जाती है। तो आपको क्या करना है, YouTube पे एक चैनल क्रिएट करना है, चैनल बनाने का कोई पैसा नहीं है, वीडियोस बनाने का कोई पैसा नहीं है और वीडियोस डालने का कोई पैसा नहीं है, और चाहे आपके कितने भी सब्सक्राइबर हैं उसका भी कोई पैसा नहीं है, ना आपको मिलेगा ना आपको देना है, ठीक है? तो सब फ्री में रहता है, सब कुछ फ्री में है अभी तो। फिर आपने जब यूट्यूब बना लिया, और मेरे को लगता है बहुत सारी लेडीज़ को इसके बारे में पता भी है कि ना, जब मैंने चैनल शुरू करा था तब था इसका क्राइटेरिया 1000 आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 आपका वॉच टाइम होना चाहिए, ये क्राइटेरिया अभी भी है सिर्फ लॉन्ग वीडियो का। शॉर्ट वीडियो का थोड़ा सा फॉर्मेट बदल गया है, यहाँ पर होने चाहिए आपके सब्सक्राइबर 1000 और 3000 वॉच टाइम होना चाहिए, या फिर आपके 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए, एक ही वीडियो पे हो गए तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। बट आजकल क्या होने लगा है, अगर आपकी वीडियो पे कॉपीराइट आ गया कुछ आ गया तो वो मोनेटाइजेशन हट भी जाता है। तो गाइज ऐसे आप अपना वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। फिर चलिए यहाँ पे आपने चैनल भी बना लिया बहुत इजीली अपनी जीमेल आईडी वगैरह से, और वीडियोस भी बनानी स्टार्ट कर दी। अब दिक्कत क्या आती है कि हम वीडियो बनाएं क्या डेली डेली, है ना, क्योंकि वॉच टाइम तो ऐसे नहीं होता, मैंने एक वीडियो डाली है, इस वीडियो से जितने लोग देखेंगे उसका जो टाइम आएगा भाई, वहाँ पे सारा डाटा रहता है कि क्या कितना टाइम आया है, तो वो टाइम आपका कैलकुलेट होता है। एक वीडियो से आपने हो सकता है 2 घंटे ही करे हो, आपको करने हैं 4000 घंटे, जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं ऐसे आपको 4000 घंटे करने हैं, तो उस 4000 घंटे में हो सकता है आज सिर्फ 2 ही घंटे हुए हैं इस पूरी वीडियो पे, कि 100 लोगों ने देखी, 200 लोगों ने देखी, 1000 लोगों ने देखी, 2000 लोगों ने देखी, कितने लोगों ने देखी, मतलब कितने व्यूज आए, कितने लोगों ने देखे हैं, वो सब होता है। और ऐसा नहीं है आप खुद ही अपनी वीडियो को प्ले करके छोड़ दो, चलती रहेगी वॉच टाइम होता रहेगा, वो नहीं होता है, क्योंकि उनके पास डाटा रहता है कि यार किस उससे बनी है और किसने डाली है, कैसे नहीं डाली है। तो गाइज देखिए काफ़ी सारी चीज़ें पुरानी हैं, जो बनाना चाहता है तो उसने मेरे से ज़्यादा ये टेक्निकल चैनल भी देख रखे होंगे और भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ से इकट्ठी कर ली होंगी, तो इतना पता होगा। बट हो सकता है मैं भी कोई फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, उनके लिए इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा डीपली बता रही हूँ।
तो आपने अब वीडियोस बनानी है, क्या वीडियोस बनानी है? तो भाई ऐसे आपने देखा चैनल के राशि तो खाना बना रही है, अपना डेली रूटीन दिखा रही है, तो हम इसको बनाते हैं। तो गाइज ऐसे कभी नहीं करना है, आपको सिर्फ सिर्फ अपनी चीज़ें बनानी है जो आप रियल में हैं, एक्चुअल में हैं, जो आपकी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपके इंटरेस्ट के हैं, मे बी वो आपके फैशन की हो, कपड़ों की हो, है ना। अगर अब मैं अपने चैनल पर ना डेली डेली व्लॉग्स बना रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं बना दूँ एकदम से मतलब कोई ऐसी वीडियो बना दूँ कि मेरे टॉपिक से अलग है, टेक्निकल कोई वीडियो बना दूँ, तो वो मेरे चैनल पे वर्क नहीं करेगी। तो जैसे एक ना आपको मैं बताती हूँ कि आपको टॉपिक भी कैसे सेलेक्ट करना है। तो गाइज इसी तरह से ना आप अपने टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आप डेली डेली वीडियोस डालेंगे तो वहाँ से आपको ना अपना टॉपिक पता चलेगा, जिसमें लोग ज़्यादा देख रहे हैं, उनका इंटरेस्ट आता जा रहा है, तो उसी से रिलेटेड आप वीडियोज़ बनाते रहेंगे। अब मेरे चैनल पर 4-5 टॉपिक ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, एक तो मेरे फैमिली व्लॉग्स, कुकिंग है ना, हमारा फैशन ब्यूटी, घूमना फिरना, मतलब यही, और इसी से रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट उनको मेरे लाइफस्टाइल लाइफ देखनी पसंद आती है, तो वही हम दिखाते रहते हैं और वही चलता रहता है। बट हर किसी का ये नहीं होता, जो व्लॉग्स बनाते हैं तो उनका एक टॉपिक सेलेक्ट हो जाता है कि भाई इनको इनकी डेली लाइफ देखनी है, है ना। और बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको सिर्फ मेकअप दिखाना होता है, कई रहते हैं कि अपने हॉल्स दिखाते हैं, तो हॉल्स वगैरह कैसे करने हैं आपको स्टार्टिंग में खुद से परचेज करके वो दिखाने पड़ेंगे, देन फिर आप आपको बाद में प्रमोशंस आने लगते हैं, नो डाउट आते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रमोशन आते हैं जहाँ पे आपको पेड मिलते हैं, तो वहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप यूट्यूब वगैरह से अपना अर्न कर लेते हैं। तो लोगों को ना ये क्वेरी रहती है कि राशि तो 5 लाख कमाती है, 10 लाख कमाती है यूट्यूब से, तो गाइस बता दूँ, देखिए ऐसा है यूट्यूब पे कमाने के लिए ना, तो गाइस चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं बताती हूँ कि देखिए मेरा बैकग्राउंड इस टाइप का नहीं था और मेरी फैमिली में कोई भी इस टाइप की वीडियो नहीं बनाता था, किसी भी तरह की, मतलब हमारा कोई कंटेंट वगैरह बनाना और वीडियोस बनाना नहीं था। तो मैंने जैसे जैसे स्टार्ट करा, मुझे शौक था, बस ये था, मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट करा, कभी भी उन्होंने रोका नहीं। और मैं उनसे बोलती थी ना मुझे अपनी वीडियो बनाने के लिए ये चाहिए, वो बनाना है, कुछ भी करना है, मतलब लाइक एक्स वाई जी, कि मुझे सब्जी बनानी है इसकी, तो मम्मी ये ले आना, वो ले आना, तो मम्मी बड़ी खुश हो के जाती थी। तो यहीं से मेरा मोटिवेशन बढ़ता, कहते कि घर वाले ऐसे ही सपोर्ट करते हैं, अब ये तो है नहीं आपके पीछे कैमरा लाइट लेके भागेंगे, बट हाँ आप कुछ कर रहे हैं, आपका मन है और आपको रोक नहीं रहे कि नहीं बनानी है, नहीं डालें, तो वो नहीं था, है ना। और हमें बहुत तरह की नेगेटिविटी भी सुनने को मिली कि भाई उनकी बहुएं वीडियो बना रही हैं, उड़ रही हैं। बट जब लोगों ने धीरे धीरे देखा ना, मतलब पहले सच्ची बताऊं तो उनकी भी गलती नहीं है, वीडियो बनाना ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई वीडियोज़ बना रहे हैं। पर जब उन्होंने धीरे धीरे वीडियोस देखनी स्टार्ट करी कि आप क्या वीडियो बना रहे हैं, क्या अपना कंटेंट बना रहे हैं, तब उनकी थोड़ी सी मेंटालिटी चेंज हुई कि हाँ भाई ये वीडियो बना रहे हैं, लोगों को पसंद आनी शुरू करी, मोस्टली लेडीज़ ने मेरी वीडियोस देखनी शुरू करी, है ना। सो गाइज फिर देखिए जब के टाइम में और आज के टाइम में बहुत फ़र्क है, जब लेडीज़ ने देखना स्टार्ट करा तो उनकी मेंटेलिटी चेंज हुई, फिर बहुत सारी लेडीज़ को हमसे मोटिवेशन मिली और काम करने का तरीका आया। तो देखिए एक महीने में चैनल मोनेटाइज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको क्या चाहिए, रेगुलरिटी। और आप अगर जैसे स्टार्ट करेंगे, अभी मैं भी बताती हूँ, देखिए मेरे पास एक 3 चैनल है ना, अब मैं एक चैनल पर रेगुलर हूँ, दूसरे पर उतनी नहीं हूँ, और तीसरे पर तो बिल्कुल ना के बराबर, मतलब एक मेरी बेटी का चैनल है, एक मेरा और मेरे हस्बैंड का कॉमेडी वीडियोस। तो बट जब हम बनाते हैं, आपने देखा भी है, तो वहाँ पे हमारा एक अलग ही कंटेंट है कॉमेडी का, है ना, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अभी वो थोड़ा सा अपने काम में बिजी है, मैं भी अपने थोड़ा सा बिजी थी, जब हम कंटिन्यू करेंगे फिर उसको रेगुलर करेंगे, बट जब नहीं करते तो फिर ब्रेक ले लिया, अभी काफ़ी टाइम का ब्रेक हो चुका है। तो जब हम मतलब अगर कंटिन्यू करने हैं काम को, तो बहुत अच्छे से कंटिन्यू करना चाहिए अपनी चीज़ों को, बीच में ब्रेक ले लेते हैं तो फिर वो चैनल डाउन चला जाता है, तो ये तो है ही, है ना। और इस पर भी मैं अपने अकॉर्डिंग काम करती हूँ, और देखिए यूट्यूब की अच्छी बात क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ना कोई ये नहीं है कि भैया मुझे किसी चीज़ का प्रेशर है, आज मन नहीं है तो मैं आज काम करूँगी, आज थकी हुई हूँ। पर हाँ आपको एक चीज़ मोटिवेट करती है, वो है आपके डेली बढ़ते हुए सब्सक्राइबर, है ना, आपके डेली बढ़ते हुए व्यूज़ और आपके डेली बढ़ते हुए कॉमेंट्स जो आपको अच्छे अच्छे मिलते हैं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है। तो देखिए ऑलमोस्ट आप अपने अकॉर्डिंग अपना एक कंटेंट चूज़ कर लेते हैं कि मुझे क्या डालना है क्या नहीं, जैसे किसी को कॉमेडी बनाना है, किसी को मेकअप, ये सब मैं बता चुकी हूँ। अब जब डेली व्लॉग्स में आप डाल रहे हैं या फिर जैसे भी आप वीडियोस बना रहे हैं, फिर आपका वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? तो गाइज आप उसके लिए अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने चैनल पर। लाइक आप एक ही तरह का, आपको पसंद है कि मैं मेकअप का डालूँ, मेकअप की वीडियो डाले जा रहे हैं, है ना, फिर नहीं व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ यार, मैं तो मेकअप की वीडियोस डाले जा रही थी। आप मेकअप आपको पसंद है बट आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप सस्ता मेकअप कहाँ से खरीद सकते हैं, आप मार्केट विजिट करिए, वहाँ से मेकअप लाइए, फिर उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। मतलब चैनल ना आजकल सिंपल नहीं रह गए हैं, सिंपल तो कुछ चीज़ अब है ही नहीं जैसे कि 4-5 साल पहले थी, बट अब बहुत सारी चीज़ों में वैरायटी आ चुकी है,
अब डेली ब्लॉग्स हैं नॉर्मल, हम डेली ब्लॉग्स जो ऑडियंस फिक्स है, जैसे आप लोग हमें देख रहे हैं आपको ऐसा ही देखना अच्छा लगता है, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ अपने चैनल पे, करते भी रहते हैं कि कभी कुछ डाल देते हैं कभी कुछ डाल देते हैं, तो वो हमें लगता था, उससे हमें ना हमारे जो व्यूज़ हैं उससे पता चलता रहता है कि भाई इनको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं। सब लोग ही ऐसे चूज़ कर सकते हैं, बट आपके ना जैसे आपने वीडियोस बनाई हैं आपका वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा है, बट फिर भी आपने अगर 20 वीडियो बना ली 30 वीडियो बना ली, देन उसमें भी ऐसा होगा उन 20-30 वीडियोस में कुछ वीडियो ज़्यादा अच्छी चली होंगी, मतलब उनमें व्यूज़ उठे हैं, तो आपको पता चला कि उन 30 वीडियोज़ में से ये एक दो टॉपिक ऐसे थे जो लोगों को पसंद आए हैं, देन आप उसके अकॉर्डिंग अपनी वीडियोज़ बना सकते हैं। तो गाइस जब मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी तो मैंने वेट लॉस की बनाई थी, सबको काफ़ी अच्छी लगी, मैंने उस पर काम करा अपने डेली रूटीन में, फिर उसको मैं बनाने लगी तो सबको अच्छी लगती रही। तो गाइस मैं आज ना आपको बहुत सीक्रेट चीज़ें बताती हूँ यूट्यूब के बारे में, जैसे कि अभी 2-3 साल में मैंने नॉलेज गेन करी है और मैं कितना अर्न कर लेती हूँ, कितना तक आप कर सकते हैं, कितने चैनल पर कितने तक पैसे मिल जाते हैं। तो गाइस बताऊँ, देखिए यहाँ पर ना किसी का कुछ नहीं हिसाब लगा सकते। अगर आप देखेंगे ना कि भाई इसके 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसके 10 लाख सब्सक्राइबर ही 5 लाख कमाती है 10 लाख कमाती है, बहुत सारे लोगों को ना सिर्फ ये रहता है कि मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर हैं तो मैं 5 लाख रुपए महीने के कमा रही हूँ। हो सकता है मे बी मैं उतना कमा रही हूँ, बट हो सकता है नहीं भी कमा रही हूँ। सब्सक्राइबर्स का यूट्यूब पे अर्निंग से कोई लेना देना नहीं होता है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं भी पता तो यहाँ पे अर्निंग का यूट्यूब के सब्सक्राइबर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये लोग भी सोचते हैं ना, बहुत सारे लोग सोचते होंगे ना यार हम सब्सक्राइब करेंगे पैसा तो इससे मिलना है, तो ऐसा नहीं मिलना होता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्सक्राइबर के लिए हम हमेशा इसीलिए बोलते हैं सारे यूट्यूबर्स ही कि सब्सक्राइब कर दो, ताकि उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, और काफ़ी टाइम से है तो चैनल पर थोड़े ज़्यादा लोग रहेंगे तो अच्छा लगता है कि भाई इतने लोग वीडियोज़ देख रहे हैं तो हम बना रहे हैं, उतने लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, कि किसी भी सब्सक्राइबर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं, कोई पैसा नहीं मिलेगा। पैसे मिलते हैं व्यूज़ के, हम कितनी वीडियोस डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, मैंने महीने में कितनी वीडियो डाली हैं, कितना मैं काम कर रही हूँ, कितना मैं अपना टाइम दे रही हूँ, उन सब का पैसा मिलता है। और यहाँ पे किसी का किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, और हर किसी का सबसे कॉम्पिटिशन भी है। देखिए अदर चैनल को देखेंगे, इसने मेरे साथ काम करना शुरू करा था, ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, वो उसकी मेहनत होती है कि उसने कितना काम कर लिया। मैं अगर काम कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, मैं महीने में 50 वीडियो डाल रही हूँ अपने लिए, मैं अगर महीने में 5 वीडियो डाल रही हूँ तो अभी अपने लिए है ना, कि पे ये नहीं है कि हम कितना काम कर रहे हैं कितने व्यूज आ रहे हैं उसका पैसा मिलेगा। पर वीडियो के हिसाब रहता है यहाँ पे कि हम कितनी वीडियोस डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। जैसे कि और अच्छी बात है, यहाँ पे हमें किसी का प्रेशर नहीं होता कि यार मुझे काम करना है नहीं करना। देखिए अगर आप वर्किंग है, घर से बाहर निकलती हैं, या घर पे बैठे भी वर्क फ्रॉम होम भी करती हैं, यूट्यूब वगैरह के अदर भी किसी भी कंपनी या जॉब में या किसी भी चीज़ में है, तो आपके पास थोड़ा सा प्रेशर रहता है यार ये चीज़ कैसे करूँ। आपका एक कोई शॉपिंग पेज भी है तो भी आपको थोड़ा प्रेशर रहता है कि यार मेरे को ये बेचना है करना है। यूट्यूब का ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आपकी मर्जी है, कितना भी वीडियो डालिए कितनी भी मन डालिए, जितना आपको अच्छा कर लगेगा उतना आप कर सकते हैं, जितना नहीं लग रहा उतना नहीं कर सकते। तो गाइस बीच में आप देखते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हूँ जब मेरा मूड अच्छा रहता है, जब मेरा मूड नहीं होता ना, मैं तबीयत ठीक नहीं कुछ है, तो फिर मैं अपने आप को ना ज़बरदस्ती पुश नहीं करती कि यार मुझे करना ही करना है, मेरे को किसी को जवाब देना नहीं। जब मुझे लगता है मेरी फैमिली और सब चीज़ें ठीक चल रही हैं तब मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ, और जब मेरे हालत नहीं है फैमिली में थोड़ा सा जैसे बच्चे की तबीयत है कुछ है तो फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। और एज ए हाउसवाइफ कह लो या वर्किंग मॉम भी हमारे साथ ये रहता है, हम छुट्टी तो वहाँ पे भी लेते हैं, तो सबका ऐसे ही रहता है। पर अर्निंग की बात है तो गाइज मैं बताऊँ, मैं यूट्यूब से काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर लेती हूँ, इतना कि मैं अपने लिए अपनी सारी चीज़ें मैं खुद से पूरी कर सकती हूँ, अपने बच्चों के लिए कर सकती हूँ, है ना, और मुझे जितना चाहिए होता है उतना हम कर सकते हैं यूट्यूब से। और गाइज मैं महीने के यूट्यूब पे 5-10 लाख रुपए कमा लेती हूँ। यूट्यूब पे अर्निंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कमा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, है ना। तो कैसे मैं बताती हूँ, आप सबको लगता है या बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये बात सच है इतना सौदा ये अर्न कर, तो ये लोगों का ना एक थॉट रहता है, बट गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी अर्निंग तो मैं नहीं करती। पर तो गाइस कुछ चीज़ें यूट्यूब की पॉलिसीज़ होती हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं तो वहाँ पे आप अपना एड्रेस नहीं शेयर कर सकते, वहाँ पे आप अपनी इनकम नहीं शेयर कर सकते, वहाँ पे आप किसी पॉलिटिकल चीज़ों को नहीं प्रमोट कर सकते हैं, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम प्रमोट नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं हैं, बट थोड़े बहुत रूल्स हैं, तो जिनको लेकर अगर आप कर रहे हैं वो चीज़ें तो आपके लिए हार्म हो सकता है। अगर जैसे कि मैंने अपना मतलब मैंने YouTube पे अपना खुलम खुला एड्रेस बता दिया, मैं यहाँ 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 ये आ रही हूँ तो आप रहते हैं, तो अगर YouTube की नज़रों में वो चीज़ आई तो मेरे चैनल के लिए मतलब थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मैं अपने मुंह से नहीं बता सकती हूँ कि मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं अपने मुंह से अपनी इनकम नहीं रिवील कर सकती कि मैं इतने कमा रही हूँ। मैं खुलम खुला किसी भी पार्टी को, जैसे कि पॉलिटिक्स होती है, तो उनको मैं प्रमोट नहीं कर सकती हूँ कि मैं इसके साथ घूम रही हूँ उसके, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है ना। और भी कुछ इलीगल चीज़ें हैं, मतलब ये तो चलो लीगल हैं बट हम नहीं कर सकते, कुछ इलीगल चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पर नहीं प्रमोट कर
कर सकते, न्यूडिटी वगैरह नहीं हो सकते। तो कुछ चीज़ें हैं बस जो बहुत लिमिटेड होती हैं, उनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। और जब आप चैनल बनाते हैं और एक थोड़े दिन बाद उसकी पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ते हैं ना, तो आपके सामने सारी चीज़ें रहती हैं, तो उनको ध्यान में रख के बाकी आप बिंदास होकर वीडियोज़ बना सकते हैं और बनाइए और अच्छे से आप अर्न कर सकते हैं। ये तो बात हो गई यूट्यूब की। यूट्यूब पे आप मतलब लॉन्ग वीडियो ज़्यादा बनाएंगे मेरे हिसाब से, तो वहाँ पे आपके वॉच टाइम पूरा जल्दी होगा और वीडियोज़ जल्दी मोनेटाइज हो जाएंगी और प्रमोशन मतलब प्रमोट होगा आपका चैनल। बट अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो शॉर्ट वीडियो की रीच अच्छी होती है, वहाँ पे आपके सब्सक्राइबर्स जल्दी बढ़ते हैं, वॉच टाइम कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आपको सिर्फ सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं तो आप शॉर्ट वीडियो डालिए, आप भी शॉर्ट वीडियो से खूब अच्छे सब्सक्राइबर्स आते हैं, है ना। बट कई बार सब्सक्राइबर्स ऐसे होते हैं, गाइस मैंने पहले शॉर्ट वीडियो बनाती थी, मेरे ना चैनल पर बहुत सब्सक्राइबर्स आए थे, खूब सब्सक्राइबर्स आए थे, दिन रात बढ़े थे। तो उससे क्या होता कि वो मेरे ना सारे के सारे जेंट्स भर रहे थे और मैं अपने चैनल पर मतलब मेल वाला नहीं करना चाह रही थी कि सारे मेल आ जाए और मैं मिलियन कर लूँ। मैंने वो रोक दिया बीच में, वो सारा कंटेंट रोका। मैंने अपना कंटेंट चेंज करा है, तो मैं लॉन्ग वीडियो ज़्यादा बनाती हूँ और फिर शॉर्ट भी डालती हूँ, तो वो उस टाइप की के उससे मेरी फीमेल ऑडियंस रहती है। तो आपके चैनल पे ऑडियंस का भी रहता है रेशियो, कौन सी ऑडियंस है, कौन से देश में ज़्यादा देखी जा रही है। तो वैसे तो हमारा वर्ल्ड वाइड रहता है, ऑल ओवर वर्ल्ड आपके चैनल को देख सकते हैं, सब देखते भी हैं, है ना। पर मेरे पे जहाँ तक है मतलब 75% तो लेडीज़ ही हैं, उसमें से 25 ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कभी सब्सक्राइब करके छोड़ रखा होगा, जेंट्स के नाम से आईडी बनी रहती है, तो इस टाइप से रहता है। और रही बात इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम तो आपको पता ही है, वहाँ पे भी अपना पेज क्रिएट करिए, पब्लिक करिए, उस पर वीडियोज़ बनाइए अच्छे अच्छे से, जैसे आपके पेज की रीच जाने लगती है देन आपको प्रमोशन मिल जाते हैं। वहाँ पे आपको मेकअप ब्रांड, ब्यूटी ब्रांड और सारी चीज़ें ब्रांड की भी मिलती हैं। ब्रांड ऐसा नहीं है सिर्फ आपके साथ यूट्यूब पे काम करता है, आजकल ब्रांड ना सारे शिफ्ट हो गए हैं इंस्टा वगैरह पे, क्योंकि शॉर्ट रहते हैं वहाँ पे, छोटे छोटी चीज़ें कराते हैं और अच्छी पेमेंट कर देते हैं, तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। उसकी रीच कैसे आएगी अगर आपकी वहाँ पे रीच नहीं आ रही है, तो गाइस वहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है, जो वीडियोस आपकी चली हैं ज़्यादा, जिन पे व्यूज़ आए हैं, उसी तरह का सेम कंटेंट आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज़ आज मैंने अपने यूट्यूब के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है फिर भी इसके रिगार्डिंग कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, अब व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं, ये कर लिया है, तो फिर भी मैं यही कहूँगी गाइज़ कंसिस्टेंसी बना के रखिए। आपने अगर एक महीने करा है तो एक महीने और करिए और रेगुलर रहिए। रेगुलर रहने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, चैनल ठीक होने लगता है अगर आप रेगुलर हैं और अपना एक कंटेंट बनाना है और उसी को कंटिन्यू करना है पहले कुछ दिन तक। तो पर जब आपको लग रहा है कि इसको बनाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया, साल दो साल हो गए हैं और आपने सब कुछ कर लिया है और चैनल टस से मस नहीं हो रहा है, तो फिर मैं तो यही बोलूँगी कि अपने चैनल पर फिर फालतू में मतलब इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। मे बी आगे वो ग्रो हो ना हो, कुछ चैनल ऐसे रहते हैं कि जिन पे शायद मे बी वो इतना ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको छोड़ भी देते हैं और वहाँ पे बेफालतू के अपना टाइम एनर्जी भी नहीं वेस्ट करनी चाहिए, फिर उसको छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि हर किसी का चैनल ग्रो नहीं होता, है ना। बहुत सारे लोग हैं चैनल, तो आप इस पे लाखों करोड़ों चैनल मिल जाएंगे, बट कुछ चैनल हैं जो चलते हैं, तो ये आपकी मेहनत भी है, आपका लक भी है और पब्लिक का सपोर्ट भी है, आपको किस तरह से कर रहे हैं, उनको क्या चीज़ें आपकी पसंद आ रही हैं। सो बस यहीं तक आज मुझे बताना था। तो गाइस चलिए अभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी आपके काम की हो, या फिर आप अगर कुछ और जानना चाहते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।